यही बात होती है कि जब तक आपका कोई कनेक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, गॉड फादर नहीं है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड इट्स ट्रू इज ट्रू इज ट्रू ऐसे जैसे हम जैसे लोगों को मुश्किल है आगे बढ़ना, क्योंकि इंडस्ट्री में गॉड फादर ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम्हारा पत्ता कब कोई काटे ना ये पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे दो तीन प्रोजेक्ट थे, जैसे स्मिता ठाकरे प्रोडक्शन हाउस की मैंने मूवी की थी, उसका टाइटल सोसाइटी था, तो अभी शायद नेक्स्ट ईयर में वो रिलीज़ हो जाएगा। रिम्मी सेन अपोजिट मेरा मतलब अच्छा खासा उसमें हम दोनों ने साथ में काम किया है और हम लोगों का बहुत ही अच्छा मतलब ट्यूनिंग था। और लेकिन क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। हाँ, ये बोल रही थी कि आप जो फैमिली होता है कि इतना आसान नहीं होता है किसी फैमिली को, तो अच्छा था। तो बैक टू बैक प्रोजेक्ट थे, तो उसमें इसमें होता है काफ़ी पॉलिटिक्स होता है ये चीज़ों में। तो ये भी जानना चाहूँगा कि अभी का जो दौर चल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज वगैरह का काफ़ी, जी जी जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुझे वेब सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वेब सीरीज के आते हैं ऑफर काफ़ी, बट वो स्टोरी सुन के और फिर वो एक्सपोज सुन के इससे अच्छा मैं घर बैठी रहूँ, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ और बताइए, एक्टिंग का आपका पैशन है, एक्टिंग के तौर पर इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो नहीं? मुझे एक्टिंग, आई लव एक्टिंग। मैं जैसे थिएटर में करती थी, तो जैसे मेरा ग्रुप था मुजीब खान का नाम है उनका, दिल्ली में मैंने थिएटर भी किया है, दो साल तीन साल मैंने थिएटर किया है, तो मुझे थिएटर अच्छा लगता है, बट अभी मैं जिंदगी भर थिएटर तो नहीं कर सकती ना। आगे की जगह क्या प्लान है आपका, किस तरह से मैं कह रहा हूं, किस तरह किरदार बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस करता है, कोई ऐसा बड़ा स्टार हो इसके साथ आप स्क्रीन पे? बिल्कुल, बेशक मैं करना चाहूंगी, मैं बहुत साफ सुथरे रोल करना चाहूंगी, जैसे कि अगर मुझे मतलब बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल देती हूँ, अगर मुझे साड़ी पहन के भाभी का भी रोल मिल जाए तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वो वैसे रोल पसंद नहीं कि तुम बिकनी पहन रहे हो, तुम ये पहन रहे हो, वो पहन रहे हो, मुझे पसंद नहीं है वो सब करना। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट भी छोड़े हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ भी मेरे पास आती है, बट मैं ऐसे ऐसा काम नहीं करती। आप मेरी जितनी भी मूवी देखोगे ना, उसमें आप देखोगे कि मैंने जैसे साड़ी पहनी है, जैसे बहुत घरेलू टाइप मेरा सीन रहा है, मुझे ऐसे ही मतलब ऐसे ही कैरेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे ही कैरेक्टर करना पसंद करूँगी। टीवी शोज में काफी एक्सपीरियंस आपको, उसके बारे में बताइए कि कौन सा टीवी शो था, कैसा एक्सपीरियंस था उसमें काम करने का? मैंने सावधान इंडिया किया था, मैंने क्राइम पेट्रोल किया था, अच्छा ही था, लेकिन सुबह उठ के 6 बजे सेट पे जाना और ये वो, तो थोड़ा सा इस वजह से मैंने छोड़ दिया। ये भी जानना चाहूँगा कि जो फिल्म कैरियर होता है उसको शॉर्ट टर्म होता है, तो आप क्या मानती हैं कि अल्टरनेटिव जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कौन कहता है कि शॉर्ट टाइम, वो उनका होता है जो हमेशा लीड में आना चाहेंगे, उनका होता है जो स्टार्टिंग से ही उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है, जैसे हीरोइन का काम किया है, हीरोइन तो हूँ मैं, बट कैसे एक्सप्लेन करूँ कि स्टार्टिंग से ही उन्होंने जैसे मतलब किया है उन्होंने अच्छी तरीके से काम, जैसे आते ही हीरोइन बन गई, आते ही ये सारी चीज़ें उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। मैंने शुरुआत थिएटर से किया था, और जैसे सहारा का बहुत पहले सीरियल आया था, तो उसमें भी मेरा अच्छा खासा कैरेक्टर था, लीड था, सिमी लीड था उसमें, तो मैंने शुरुआत अच्छे से की, तो मेरा ऐसा कभी कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि मैं कभी लीड करूं या फिर मुझे कभी ये मिले वो मिले, मैं नॉर्मल एक्टर हूँ, तो ऐसे एक्टर की लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, क्योंकि मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे सलमान के साथ में अपोजिट में खड़ा होना है, ये होना है, मुझे जो मिलेगा वो मैं करूँगी। और रियलिटी शो में मीडियम होता है, यू नो, इंस्टेंट फेम, जैसे बिग बॉस है मान लीजिए, तो आप वहाँ देखते हैं कि जो लोग जाते हैं और उनको